जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल NIS ऑनलाइन हब में। सबसे पहले सभी साथियों को सुप्रभात और नव वर्ष की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आया है 2022, ये जो है पहला वीडियो है चैनल में जो आपको देखने को मिल रहा है। और हम दोस्तों इस वर्ष यही कामना करते हैं कि जो भी कैंडिडेट बिहार शिक्षक बहाली में पार्टिसिपेट किए हैं उनको जो है 2022 में जो है विद्यालय यानी जो शिक्षा विभाग की ओर से जो तिथि घोषित की गई है जो है उस तारीख तक वो इस जो है विद्यालय में योगदान कर पाए, हमारे इस वर्ष से यही कामना रहती है दोस्तों। और मैं आपके लिए हर एक जो है जो भी प्रयास होता है मेरे तरफ से, मैं आप लोग के लिए भरपूर प्रयास करने का कोशिश करता हूँ जो मेरे तरफ से हो पाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा नौ वर्ष का बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि 25 फरवरी को जो है वो तिथि घोषित की गई है जिसका हम लोगों को वर्षों से, कह सकते हैं 2 साल से जो है जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये जितने भी अपडेट हैं ये जो है आज का अपडेट है। यहाँ नौकरियाँ 50,000 प्रारंभिक और 32,000 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूलों में 44,242 पदों पर नई बहाली, और नई बहाली को लेकर भी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। और यहां पर दोस्तों देख लीजिए, 3.52 लाख शिक्षकों को 15% वृद्धि के साथ वेतन भुगतान की तैयारी। ये जो है प्रदेश के 3,52,000 शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष 15% की वृद्धि के साथ जो है जनवरी से भुगतान होगा। और यहाँ पर दोस्तों आज क्या कुछ अपडेट जो है निकल के आ रही है देख लीजिए, यहाँ पर भी जिला से है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जो भी अपडेट आता है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर या शिक्षक बहाली से जुड़ी जो भी अपडेट आता है आपको देने का कोशिश करता हूँ। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा ताकि जितने भी अपडेट आएगा आप लोगों को देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, निगरानी नियोजन शिक्षकों का अपना डॉक्यूमेंट पोर्टल पर करना था अपलोड, प्रमाण पत्र अपलोड करने में बढ़े यानी 388, अब फिर होगी जांच। अंतिम मेधा सूची प्रकाशन नहीं करने वाले इकाई के सचिव पर कार्रवाई। यहां पर दोस्तों एक जो है मुजफ्फरपुर नियोजन इकाई की तरफ से एक नोटिस जो है जारी किया गया है, जो कि मैं आपको उस नोटिस से भी अवगत कराऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या कुछ अपडेट आता है इस पूरे अपडेट को हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर जो अपडेट निकल के आ रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा नौ वर्ष का बड़ा तोहफा। पंचायत सरकार गठन के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली का तोहफा जो है मिलने वाले है। इन नियोजन इकाई के माध्यम से प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक के विद्यालय में खाली पड़े शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष पर बहाली भी नए साल में होगी। आगे यहाँ पर लिखा है, यहाँ मिलनी है नौकरी 50,000 जो है, जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि 38,000 अभ्यर्थियों का चयन जो है हो गया है अब तक, और अब जो है 12,000 लमसम में जो है यहाँ पर थर्ड चरण की काउंसलिंग होने जा रही है। यानी कुल मिलाकर कहिए तो 94,000 में 50,000 प्रारंभिक जो है नियुक्ति मिलने वाली है, और जो माध्यमिक 32,000 उसका भी जो है शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है नियुक्ति पत्र तक का। यहाँ मिलेगी नौकरी 50,000 प्रारंभिक और 32,000 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति। राज्य में 94,762 पदों पर नियुक्ति होनी है। 50,000 को एक ही दिन यानी 25 फरवरी को नियुक्ति मिल जाएगा। 32,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियुक्ति भी मार्च तक पूरा होगी। बिहार के विश्वविद्यालय को 4,642 सहायक अध्यापक भी मिलेंगे, और सत्ता का जो है इसका साक्षात्कार चल रहा है। स्कूल में 54,242 पदों पर होनी है नई बहाली। राज्य के प्रारंभिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 54,242 पदों पर नई बहाली होगी। इसमें 40,518 प्रधान शिक्षक और 5338 प्रधान अध्यापक पद पर बहाली पूरी कर लेनी है। माध्यमिक में वही अगर दोस्तों मैं बात करूं तो यहां पर 8,000 से प्लस में जो है फिजिकल यानी शारीरिक अनुदेश की बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से की जाएगी। प्राथमिक स्कूल में खाली तकरीबन 44,000 पदों एवं माध्यमिक विद्यालय में रिक्त के हिसाब से शिक्षकों की बहाली की उम्मीद है। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए किस विभाग में जो है कहाँ पर कितनी बहाली होने वाली। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, कृषि विभाग में 1,500 विभिन्न प्रकार की भर्ती होने वाली
इसमें प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक पद जो है शामिल है। फरवरी में प्रक्रिया शुरू होगी। पशुपालन विभाग में जो है यहाँ पर 1200 नियुक्ति प्रक्रिया होनी है, जिसकी रिक्ति मांगी गई है और इसका प्रस्ताव कर्मचारी चयन आयोग जो है शीघ्र भेजा जाएगा। नए साल में इंटर एवं स्नातक पास 2,07,000 इतना अभ्यर्थियों को जो है कल्याण प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर 3 लाख प्रदेश के 3 लाख जो है जो 52,000 पुस्तकालय और जो है कोई 15% की वृद्धि के साथ जो है वेतन इसका मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर 3.52 लाख शिक्षकों को 15% वृद्धि के साथ वेतन भुगतान की तैयारी। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है। तो यहाँ पर लिखा है निगरानी, नियोजित शिक्षकों को अपना डॉक्यूमेंट पोर्टल पर करना था अपलोड। प्रमाण पत्र अपलोड करने में 388 अब फिर होगी जांच। अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं करने वाले 12 नियोजन इकाई सचिव पर होगी कार्रवाई। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, थर्ड चरण का काउंसलिंग जो है होने जा रहा है 17 से लेकर 25 तक। यहां पर देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, 27 तक जिले में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं होना आड़े आ रहा है। इस माह तीसरे चरण की जो है काउंसलिंग के लिए अब तक 12 नियोजन इकाई इसका प्रकाशन जो है नहीं किया। इसमें जिला नियोजन कोषांग को परेशानी हो रही है। ऐसे में नियोजन इकाई के सचिव जिला शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। इसमें 5 प्रखंड 12 नियोजन इकाई सचिव इसको लेकर डीओ ने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत सचिव की लापरवाही में अभी अंतिम मेधा सूची एनआईसी पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकी है। 4 जनवरी तक एनआईसी के पोर्टल में अंतिम सूची अपलोड नहीं होने पर जो है माना जाएगा कि सरकार की इस योजना में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ऐसे में नाम का अनुशंसा प्रपत्र को गठित किया गया, इसको लेकर डीएम की अनुशंसा भेजी गई है। इन नियोजन इकाई के पंचायत सचिव को नोटिस दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पर जो है नोटिस दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच के लिए वेब पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 388 शिक्षकों की संख्या यानी 388 शिक्षकों की संख्या जो है बढ़ गई है। इसमें ऐसे शिक्षक हैं जिसके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब तक दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है। अब नए सिरे से जांच शिक्षकों की सही संख्या का आकलन होगा। यह खुलासा निगरानी विभाग जिला विभाग को सौंपी गई है। वेब पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड करने में शिक्षकों की संख्या के अंतर के आधार पर हुआ है। वेबसाइट पर अपलोड सभी 3,770 शिक्षक को डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने वाले इतना शिक्षक की सूची जुड़े रिकॉर्ड में बीओ को भेजी गई। इस आधार पर वे पूर्व में प्रखंड में भेजी गई रिपोर्ट और वेब पोर्टल के आधार पर संख्या का मिलान करेंगे। इसमें अगर सुधार की जरूरत हो तो इसके साथ ही डीपीओ अस्थना कार्यालय वर्ष 2006 से 15 तक नियोजित शिक्षकों की जांच की निगरानी में शिक्षा विभाग को दी है। जनवरी में 12,580 यानी जनवरी में 12,580 शिक्षकों में 9,139 के फोल्डर मिलने की बात कही है। इधर निगरानी ने इतना फोल्डर अप्राप्त बताया, जबकि फोल्डर पर डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया शुरू हुई तो इतना शिक्षक ने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, रजिस्ट्रेशन के बाद इतना शिक्षक अपलोड नहीं। डीपीओ स्थापना जो ने बताया कि आरडीई के स्तर पर वेब पोर्टल अपलोड नहीं करने वाले नियोजित शिक्षक होने वाली कार्रवाई की जानकारी मांगी है। इस आधार पर सभी बीओ को निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाई हैं जो कि अब तक जो है मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया है, जिसका जो है खामियाजा तीसरे राउंड में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार लास्ट और फाइनल वाले होने वाला है। और यहाँ पर नए साल में जो है अभ्यर्थियों को यानी 25 तारीख को जो है नियुक्ति पत्र 94,000 अभ्यर्थियों को मिलने वाला है एक साथ। तो इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। उसमें जो है 50,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसका जो है नियुक्ति पत्र मिलेंगे, और ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका सीट खाली रह जाएगा, उसको नए यानी 7वां चरण में उसे जो है समाहित किए जाएंगे। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। और आप सभी को नव वर्ष की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ।